दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में। तो जो हमारी MRM होती है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, उसी के बारे में ये प्रोसीजर है कि जो हमें MRM है वो कैसे कंडक्ट करनी है, क्या उसमें स्टेप्स आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज्ञान को बढ़ाते रहना वीडियो को शेयर करके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू के साथ। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है मैनेजमेंट रिव्यू का, सबसे पहले इसके पर्पस की बात करते हैं कि जो प्रोसीजर हमने क्यों एस्टेब्लिश किया है। तो जो हमारी सारी प्रोसेसेस हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही हैं या नहीं, उनको रिव्यू करने के लिए और उन पे एक्शन जो हमें लेने हैं अप्रोप्रिएट, उनको लेने के लिए ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है। अब इसके स्कोप की बात की जाए तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी के रिव्यू के लिए ये प्रोसीजर एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस ओनर हैं वो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल HODs और प्लांट हेड। अब इसकी एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली एक्टिविटी क्या कहती है, तो जो हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करेंगे वो हमें 6 महीने में एक बार करनी ही करनी है। उसमें हम रिव्यू करेंगे अपनी सारी प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस को और हम उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, उसकी बात इसमें की जाएगी। और साथ ही में हम MRM के एजेंडा को प्रिपेयर करेंगे कि किस किस टॉपिक्स पे MRM में बात की जाएगी, ठीक है, और उस एजेंडा को हम कम्युनिकेट कर देंगे सभी डिपार्टमेंट्स को, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स उस रिव्यू मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं। तो जब भी हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करेंगे तो उसमें कई सारे पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना है। अब उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आते हैं, आप ध्यान से देखना। जो भी हमारी पिछली मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुई थी उसका स्टेटस, उसके एक्शंस पे क्या काम हुआ उसकी बात होगी। जो भी हमें चेंजेस करने थे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, उनकी बात होगी। यहाँ पे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक फॉर्म के ट्रेंड्स को देखेंगे जो भी रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज से आए हैं, और कहाँ तक हमने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स मीट करे हैं वो हम देखेंगे। हमारी प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैसी है, जो कन्फर्मिटी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वो कितनी है, और हमारी नॉन कन्फर्मिटीज़ कितनी आ रही हैं और उनके करेक्टिव एक्शंस कैसे हैं, और मॉनिटरिंग और मेजरमेंट का जो हमारा सिस्टम है उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, ऑडिट के रिजल्ट्स कैसे हैं, हमारे एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सभी के ट्रेंड्स हम स्टडी करेंगे। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी एडुकेसी कितनी है, और रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस करने के लिए जो भी हमने एक्शंस लिए हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है, और भी पॉइंट्स हैं अगले पेजेस में। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना हमारे, ये हमारी MRM में एज अ इनपुट काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, OEE वगैरह जो होती है हमारी, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी पे बात होगी, ठीक है, और जो हमने चेंजेस करे हैं एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में या फिर नई फैसिलिटीज लगाने के लिए, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी क्या है, हमारे मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे, वारंटी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कस्टमर स्कोर कार्ड को रिव्यू किया जाएगा, जो भी हमारे संभावित कारण है फील्ड फेलियर के उनके आइडेंटिफिकेशन की बात होगी, जैसे कि हम जो FMEA करते हैं, और जो एक्चुअल फील्ड फेलियर हुए हैं उनका इम्पैक्ट क्या है सेफ्टी पे और इन्वायरमेंट पे, उसकी बात होगी, और सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स की बात की जाएगी। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है प्लांट हेड की और MR की। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, जो हमारे मैनेजमेंट रिव्यू के आउटपुट हैं वो क्या क्या आएंगे, किस तरीके से आउटपुट आएंगे, वो पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं वो निकल के आएगा। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहीं चेंज करने की ज़रूरत है वो चीज़ निकल के आएगी। रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है हमें वो निकल के आएगा। जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इफेक्टिवनेस, उसको सुटेबली कैसे हमें मेंटेन करना है उसकी बात निकल के आएगी। जो हम निरंतर सुधार करते हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हैं, उनके डिसीजंस की बात आएगी। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा EMS है उसे हम और कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है, उसके लिए और कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत तो नहीं है, वो बात निकल के आएगी। अगर हम इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है वो निकल के आएंगे। अगर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात है तो उसे हम अदर प्रोसेसेस से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो निकल के आएगा।
ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कोई फेरबदल करना है वो निकल के आएगा। यहीं पे हमारे आउटपुट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, जो भी हमने एजेंडा प्रिपेयर किया था अपने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और वहाँ पे जो भी डिस्कशंस और एक्शन प्लान्स निकल के आएंगे उसे हम मिनिटाइज करेंगे, मतलब कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में नोट करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है, तो जो भी हमारी MRM की मिनट्स ऑफ मीटिंग थी उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे और जो भी एक्शंस लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर प्रॉपर फॉलोअप किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे मैनेजिंग पार्टनर और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। यहीं पे हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्ड रेफरेंसेस की। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने हैं, सिर्फ दो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। जो हमने MRM का मीटिंग सर्कुलर जारी किया था, जो नोटिफिकेशन के लिए हमने सब डिपार्टमेंट्स को दिया था जब भी हमने कंडक्ट करी थी MRM, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हमारी है MRM की उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो यहीं पे जो हमारा प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट रिव्यू है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि जो प्रोसीजर हमारा मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, हमारी MRM के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है, कैसे हम उसमें काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।